अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत अमेजिंग ब्लैक पाउडर यूजिंग द कोकोनट शेल्स यानी चारकोल पाउडर बना रहे हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। वॉश कर लें इसको, बाल रिमूव कर दें, अच्छे से ड्राई होने दें, ताकि इसके बहुत हमें एग्जैक्ट 100% बेनिफिट्स मिल सकें, क्योंकि स्किन से बहुत अच्छे से इम्प्योरिटीज़, डस्ट, डर्ट को रिमूव करती है, स्किन को क्लियर करती है, क्लीन करती है। ब्लैक हेड्स एक्ने के लिए बेस्ट है। 10 यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। कोई भी एम्प्टी टिन आप ले सकते हो, तो घर की चीज़ें लेके बहुत अच्छे से आपका बहुत लॉन्ग लास्टिंग आपका बन सकता है चारकोल, जो कि हर मास में और उसमें आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है इस पे आगे वीडियोस आ रही हैं। तो वाटर कलेक्ट कर लें शेल्स को ब्रेक करके, ताकि इसका वाटर हम सेपरेट कर सकें, जो जिसके बहुत बेनिफिट्स हैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ चारकोल पे फोकस करेंगे। साथ आप देख सकते हो माशाल्लाह से गिरी बहुत अच्छी निकली है इसकी, और ये आप इनसाइड आउट ऐसा फल है जो इनसाइड आउट आप इसके सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। हर चीज़ में इसके बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो इसको। तो अभी हमें इसकी गिरी नहीं चाहिए, वो भी हम सेपरेट कर लेंगे, हमें सिर्फ शेल्स चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं फेस के लिए, तो जब आप चारकोल भी बनाओ तो फेस के लिए आप लोहे की कढ़ाई यूज़ नहीं कर सकते, वो ब्लैक कर देता है जो भी आप उसमें पाउडर या जो भी आप उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। तो वो हमेशा बालों के लिए बेस्ट है, लेकिन स्किन के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। आप टिन ही यूज़ करें, क्योंकि यही अब जो है इसके लिए सेफ ऑप्शन है। अब आपने गिरी को सेपरेट करते जाना है। आप देख सकते हो मैंने एक शेल पूरी कम्प्लीटली सेपरेट कर ली है गिरी में से, तो दूसरी मैं इसको बाद में करूँगी, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और इसका सेकेंड स्टेप है कि अब आपने स्टोव पर ही इसको बारबेक्यू इसका कर लेना है। तो इसके भी दो तरीके हैं कि आप टिन में फिल करो सारे शेल्स और उसको लिड लगा के होल्स करके रखो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मॉनिटर करना पड़ता है, धुआं भी बहुत उठेगा उसका, ईंधन बहुत लगता है। तो ये ईजीएस्ट वे है कि आप बड़े बड़े शेल्स के पीसेस लो, छोटे शेल्स के पीसेस ज़्यादा टाइम लेंगे, तो आप बड़े शेल के पीसेस ही रखो उसको, क्योंकि माशाल्लाह गिरी बहुत अच्छी थी तो शेल्स पूरे पूरे उतरे हैं। आप इसको ऐसे ही कटोरी को रखो इसकी शेल्स को, और इसको बर्न होने दो। जितना ड्राई होगा, क्लीन होगा, उतनी जल्दी ये आग पकड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि बहुत जल्दी फायर है, और ये इतनी ज़बरदस्त साइट है ना, मतलब जब आप इसको बर्न कर रहे होगे तो ये बारबेक्यू का एक, विंटर्स में तो ये साइट बहुत बहुत रिलीविंग, सूदिंग है, वार्मथ फील होती है। और कोशिश करें कि ओपन एयर में और डस्ट जहाँ पे हो वहाँ पे इसको मत करें, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जाएंगी, धुआँ बहुत उड़ेगा, इसके एशेज उड़ेंगे। तो इसको हमेशा सेफ साइट पे प्रिकॉशंस लेके करिएगा। अब जब आपका ये शेल्फ सारे जल गए, तो आपने इसमें ऐड कर देना है इस स्टेज पे कोयले में, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं चारकोल के लिए उसमें आपने रोज़ वाटर ऐड कर देना है कि वो डिप हो जाए। आधा घंटा उसमें रोज़ वाटर रखें, उसके बाद या तो आप इसको पका लें दोबारा से, ड्राई होने दें, या इसको सुखा दें। सुखाने में 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन आप जब इसको स्टोव पर रखेंगे तो पानी अंदर ही उसके ड्राई रोज़ वाटर का कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कि आपने उसको जब वो हल्का सा सॉफ्ट ही हो तो उसको क्रश कर लें, तो बहुत इजीली क्रश होगा और पाउडर अच्छे से बनेगा। जितना ड्राई होगा उतना हार्ड होगा क्रश करना, ब्लेड्स आपके डैमेज ना हो, इसलिए पहले उसको अच्छे से रफली क्रश कर लीजिएगा। हवान दस्ता यूज़ कर लें अगर ग्राइंडर नहीं है, टाइम बहुत लगेगा, तो ग्राइंडर बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड, आपके पास होना चाहिए जाली, बारीक जाली वाला कोई भी स्ट्रेनर ले लें या बारीक जाली ले लें, ताकि आपका अच्छे से फाइन पाउडर, आप देख सकते हो कितना फाइन पाउडर हो रहा है। तो अगर आपको हाथ लगाओ और ये देखें कितना अच्छे से फाइन पाउडर, अगर हाथ लगा रहे हैं और उसमें बड़े पार्टिकल्स हैं, तो आप दोबारा से ग्राइंड करेंगे, ठीक है। सेपरेट करते जाएँ छलनी से और उसको बार बार ग्राइंड करते जाएँ, जब तक कि आपको फाइन पाउडर ना मिल जाए। आप यहाँ पे आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फाइन पाउडर मिलेगा अगर आपके पास बारीक जाली नहीं है। स्टेप 5 में आपने इसको रीफिल करना है अपनी बॉटल को, यानी इसके जार को आपने बार बार इसमें फिल करते जाएं, जैसे जैसे आपका पाउडर बन रहा है। इसके दो रीज़न्स हैं, एक तो ये उड़ेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि इसका पाउडर फॉर्म है, तो चीज़ों को बहुत काला करेगा, और दूसरा इसका रीज़न ये है कि इसमें डस्ट नहीं अब जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको अब लास्ट स्टेजेस पे है ये बनने के, तो स्टेप्स इसके ऑलमोस्ट
लास्ट स्टेप रह गया है, तो आपने इसको रीफिल करते जाना है ताकि ये प्योर रहे 100% और इसमें डस्ट ना जाए और ये उड़े भी ना पाउडर फॉर्म इसकी। ऐसे इसको ग्राइंड करते जाएं और फिल करते जाएं। लास्ट स्टेप में आपने 1/3 कप लेमन जूस ले लिया और 2 गिलास पानी लेके इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसमें डाइल्यूट कर देना है, यानी इसमें लिक्विड पेस्ट बनाएं, अच्छे से मिक्स करें। इसमें जो है वो दूसरे केमिकल्स यूज़ मत करिएगा, हमें यूज़ करने नहीं आते। ये बेस्ट वे है इसको वॉश करने का, इम्प्योरिटीज़ क्लीन करने का। वॉश करें इसको 24 आवर्स के लिए रखने के बाद, 24 आवर्स आपने इसको रखना है, हिलाना नहीं है। उसके बाद ऊपर जो पानी आ जाएगा सिर्फ उसको आपने ड्रेन करना है, धो के अच्छे से ड्रेन करें और उसके बाद आपने इसको ड्राई होने देना है 2-3 दिन में, फैला लें तो ड्राई होगा और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आने वाली वीडियोस में ये यूज़ होगा तो आप लोग भी बना के इसे स्टोर करके रख लें, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको भी।